हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो अब हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में इंडस्ट्री हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इस वीडियो में हम कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं जनरली कॉमर्स क्या होता है बिजनेस एक्टिविटीज हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी बिजनेस एक्टिविटीज हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होता है हम पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर कॉमर्स कॉमर्स क्या होता है कॉमर्स कॉमर्स में हमारी वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं दैट इज कंसर्न विध रिमूविंग हिंड्रेंस इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर इसमें वो सारी सर्विसेज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि एफिशिएंट मूवमेंट होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैनुफेक्चरर टू कंज्यूमर कॉमर्स वी कैन से दैट इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड है जिसमें की गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाने में सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब कॉमर्स हटा देता है सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो कॉमर्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड के बारे में ट्रेड क्या होता है ट्रेड जनरली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर फॉर प्रोफिट मोटिव जब भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ मोटिव दैट इज नोन एज ट्रेड जब भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोफिट दैट इज नोन एज अ ट्रेड of Hamari trade different types divided hai. different types of trade first one is internal trade internal trade matlab the trade that takes place within the boundaries of country the trade that takes place within the boundary of country and external trade external trade is the exchange of goods and services that takes place outside the boundary of country इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड के टू पार्ट है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड में देर इज बल्क एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बिट्वीन बायर्स एंड सेलर एट अ कंपेरिटिवलीवर रेट इंटरनल ट्रेड में क्या होता है बल्क ट्रेडिंग होता है मतलब की बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेस को ट्रेड किया जाता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस बट रिटेल ट्रेड में लोअर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसल ट्रेड एंड रिटेल होलसेल में सामान खरीदते हैं मतलब हम बल्क में सामान खरीद रहे हैं और जब भी हम रिटेल में सामान खरीदते हैं मतलब हम लोअर क्वान्टिटी में सामान खरीद रहे हैं ठीक है प्राइजेस भी यहाँ पे वेरी करते हैं रिटेल ट्रेड में कंपेरेटिवली हाई प्राइजेस होते हैं एज कंपेयर टू होलसेल ट्रेड सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड ट्रेड अब एक्सटर्नल ट्रेड में इम्पोर्ट होता है फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट वॉट आर इम्पोर्ट इम्पोर्ट रेफर्स टू परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फ्रॉम अब्रॉड मतलब हम विदेश से कोई सामान खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं सो दट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट इम्पोर्ट में हम विदेश से सामान अपने पास मंगवाते हैं विद इन द बाउंड्रीज मंगवाते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्रीज एक्सपोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट में हम अपना सामान विदेश में ले जाके बेचते हैं वी सेल आर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट दैट इज एक्सपोर्ट नाउ कम्स एंट्री पोर्ट। में क्या होता है जनरली इट इज अ मिक्सचर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेच रहे हैं दैट इज एंट्रीपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड के थ्री टाइप्स थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट इंपोर्ट था जब हम विदेश से सामान परचेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट है जब हम विदेश में सामान बेच रहे हैं और एंट्रीपोर्ट है जब हम एक देश से सामान खरीद के दूसरे देश में बेच रहे हैं सो दिट इज दिस इज एंट्रीपोर्ट सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड अगर किसी भी टाइप ऑफ ट्रेड में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स मतलब शॉर्ट में कहें सो इट इज एन असिस्टेंस टू ट्रेड ट्रेड को जो हेल्पिंग सर्विसेज होती है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर आती हैं जैसे ट्रेड की हेल्प ट्रेड की हेल्प करने में क्या क्या चीजें चाहिए होगी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कम्युनिकेशन चाहिए बैंकिंग चाहिए इंश्योरेंस चाहिए वेयर हाउसिंग चाहिए एडवर्टीजमेंट चाहिए पैकेजिंग चाहिए सो ऑल दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक एक के बारे में हम डिटेल uh, में एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब हमें ट्रेड करना है तो बायर्स और सेलर्स के बीच एक लिंक बनाना होगा ना गुड्स को उठा के बायर्स के पास से उठा के सॉरी sell, सेलर्स के पास से उठा के बायर्स तक पहुंचाना होगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन कॉम्युनिकेशन जब कॉम्युनिकेशन होगा इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन नेटवर्क होगा इफेक्टिव तभी तो हमारी ट्रेड होगी डील्स होंगी नेगोशिएशन नेगोशिएशन होंगी <laughs> बैंकिंग होगी अब बैंकिंग की बैंकिंग सर्विसेज भी हमारी ट्रेड में बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है इंश्योरेंस होगा हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्ट करना होगा विथ इंश्योरेंस इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं ताकि किसी भी अनफोर्सिन इवेंट से हम अपना लॉस बचा सके सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस मान लो हमारा सामान जा रहा था ट्रक का एक्सीडेंट हो गया हमारा सामान खराब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका क्लेम दे देगी सो दिस इज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग इज स्टोरिंग गुड्स एंड सर्विस दे आर डिमांडेड इन द मार्केट सपोज गुड्स एंड सर्विसेज पहले से मैनुफेक्चर हो गए अब एक जगह पे उनको स्टोर किया जा रहा है जब तक की वो मार्केट में बिक नहीं जाते हैं दे आर डिमांडेड इन द मार्केट तो हाउसिंग समझ आ गया नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट हमारा पेड प्रमोशन होता है जिसमें कि हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को एडवरटाइज करते हैं ताकि उनकी मार्केट में डिमांड अराइज हो दिस इज एडवरटाइजिंग एंड पैकेजिंग पैकेजिंग हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक कर रहे हैं पैकेजिंग से पैकेजिंग द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर कंज्यूमर मान लो एक ट्रॉफी है बहुत अच्छी है लेकिन उसके पैकेजिंग बहुत गंदी है तो बायर्स के ऊपर जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना वो बहुत बेकार पड़ेगा वो खाएंगे ही नहीं अब की जो, है वो बेकार है है बट पैकेजिंग अच्छी है, तो कंज्यूमर उसको वन ट्राई जरूर देगा सो दिस इज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आई होप समझ आ गए होंगे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अब बात करते हैं हम बिजनेस करते किस लिए है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट करते ही क्यों है क्या जरूरत है प्रॉफिट की बिजनेस में तो प्रॉफिट हमारा जनरली क्या क्या रोल होते हैं प्रॉफिट के हम उसके बारे में बात करेंगे सो प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम इन बिजनेस हमारे बिजनेस में जो इनकम होती है उसका मेन सोर्स ही प्रॉफिट है बिजनेस इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तो प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इट प्रोवाइड फंड फॉर एक्सपेंशन सपोज हम फ्यूचर में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए जो पैसा होगा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से आएगी वो सारी प्रॉफिट से ही आएगी इट इज एन इंडिकेटर फॉर एफिशियंसी ऑफ बिजनेस अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक इंडिकेटर है कि हमारा जो बिजनेस है वो एफिशियंट है नेक्स्ट इज इट बिल्ड्स अपन सपोज हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी प्रॉफिट हो रही है बहुत अच्छे से चल रहा है तो उससे हमारे बिजनेस को एक रेप्यूटेशन प्रोवाइड होती है नेक्स्ट इज इट फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हमारी जेब गर्म है तो हम अपने नेचर के बारे में भी सोचते हैं जब अगर हमारी जेब में पैसा ही नहीं है तो हम नेचर के बारे में सोचना चाहे भी तो नहीं सोच पाते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हमारी तभी होती है जब हमारी जेब में प्रॉफिट होता है नेक्स्ट इज सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन अब अनफेवरेबल कंडीशन मान लो अभी तो अच्छा प्रॉफिट है प्रॉफिट से मैंने बचा के कुछ रख लिया रिटेन अर्निंग कर ली बट एट अ पॉइंट वेन आई एम फेसिंग अनफेवरेबल कंडीशन उस टाइम मुझे सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट ही बचाएगा जो मैंने रिटेन अर्निंग्स की थी ना प्रॉफिट से वही उसी की मदद से मैं सर्वाइव करूंगी सो इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस आई होप रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस समझ आया होगा नेक्स्ट इज द रिस्क रिस्क क्या होता है रिस्क होता है एक पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी जिसमें कि अनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जो हमारा कम प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है दैट इज नोन एज रिस्क अनसर्टिनिटी क्या होती है अनसर्टेनिटी हमारे बिजनेस में लगी ही रहती है अनसर्टेनिटी मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल है अनसर्टेन है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी फायदे में है कल को नुकसान में हो सकता है सो इट इज अनसर्टेनिटी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइक कोविड कोविड के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सो so उस टाइम पे जो भी लॉस हुआ दैट वॉज ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट आई होप समझ आया होगा अब बिजनेस रिस्क के कुछ कॉजेज होते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इन कॉजेस के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज नेचुरल कॉज हमारा कोई भी पैंडेमिक हो सकता है कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है फ्लड हो सकता है ड्रॉट हो सकता है ऐसे कुछ भी नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं फर्स्ट कॉजेज इज नेचुरल कॉजेज

जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वॉन्ट शिफ्ट हो गई या कॉम्पिटिटर कोई ऐसा आ गया जिसकी वजह से हमारी मार्केट शिफ्ट हो गई कॉम्पिटिटर की वजह से हमें कोई नुकसान हो गया सो ऑल दीज आर इकोनॉमिक कॉजेस डिमांड कम हो गई सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी में तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है इन अ बिजनेस अब कुछ अदर कॉजेस भी होते हैं अदर कॉजेस में हमारा मटेरियल आ जाता है हमारा मटेरियल खराब आ गया किसी वजह से हमारी मशीनरी खराब हो गई है ना या फिर um, और हमारी बिजनेस में पावर कट हो गया सो ऑल दीज आर अदर कॉजेज दट इफेक्ट द रिस्क ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो इज बेसिक फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस हमें जिस लाइन में जाना है जिस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करना है जो काम करना है मेन बिजनेस जिसपे चलाना है उसका सिलेक्शन इट इज बेस्ड ऑन मार्केट मार्केट कैसी है क्या मार्केट में उसकी डिमांड है नहीं है नेचर क्या है उस बिजनेस का टाइप ऑफ बिजनेस क्या है ये सारी चीजें हमें सिलेक्ट करनी होती है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस नेक्स्ट साइज ऑफ फर्म साइज ऑफ फर्म में अमाउंट ऑफ फंड कितना अवेलेबल है हमारे पास मान लो हमें खोलनी तो बहुत बड़ी मैसिव फर्म है लेकिन हमारी जेब में पैसे है नहीं तो साइज ऑफ द फॉर्म इज डिटर ऑन द बेसिस ऑफ फंड अवेलेबल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट मान लो पैसों की तो चलो कोई बात नहीं पैसा तो रेज भी हो जाता है फंड तो रेज भी हो जाता है बट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी के बेसिस पे साइज सेलेक्ट किया जाता है कि बिग ऑर्गेनाइजेशन खोला जाए मीडियम स्केल पे खोला जाए या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा लास्ट थर्ड वन इज चॉइस ऑफ ऑफ फॉर्म ओनरशिप किस टाइप की ओनरशिप होनी चाहिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी जाते हैं क्या क्या ओनर की लाइबिलिटी होनी चाहिए इन सभी के फॉर्म ऑफ ओनरशिप सेलेक्ट होती है एंड देन आगे बिजनेस के बारे में सोचा जाता है उसके बाद लोकेशन कहा होनी चाहिए बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन हमेशा ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल हो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और रिमोट एरिया और ऐसा नहीं है कि हमने दस हजार किलोमीटर दूर जाके कहीं पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल ली क्यों क्योंकि वहां पे सस्ती जमीन थी नहीं वहां की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए वहां रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए नियरनेस टू दी मार्केट होना चाहिए गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो जाएंगे बट बेचना भी तो है ना तो नियरनेस टू द मार्केट इज आल्सो एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन फाइनेंस रिक्वायरमेंट कितना है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है और उसका सोर्स क्या क्या है उसी के ऊपर फाइनेंस प्रपोर्शन डिसाइड होता है कितनी कैपिटल है क्या क्या सोर्स सोर्स होना चाहिए कहाँ -कहा से पैसा रेस करेंगे ये सब डिसाइड किया जाता है फिजिकल फैसिलिटीज फिजिकल फैसिलिटीज वही आ जाते हैं हमारे पास मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह कितने हैं हमारे पास मशीन कैसा है हमारे पास बिल्डिंग कैसे हमारे पास प्लांट कैसे हमारे पास फर्नीचर कैसा है वो सारी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज आ जाती है दैट शुड बी कंसिडर्ड विदाउट सॉरी बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस नेक्स्ट प्लांट लेआउट प्लांट का लेआउट कैसा होगा प्लांट की फंक्शनिंग कैसी होगी उसका पूरा हम लोगों को पहले से ही दिमाग में रखना होता है बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स वर्क फोर्स वर्क फोर्स हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिकॉज वर्क फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बिजनेस के सक्सेस या फेलियर के लिए अगर हमारी वर्कफोर्स फोर्सेंट है कमिटेड है तो हमारी बिजनेस बिजनेस हमारा सक्सेस हो सकता है अगर हमारी वर्कफोर्स ही कम्पीटेंट नहीं है कमिटेड नहीं है तो हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है सो इट इज एसेंशियल टू अ कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग टैक्स को किस हिसाब से हमें पे करना है टैक्स रेट के हिसाब से किस में टैक्स रेट ज्यादा है किस टाइप में कम है उस हिसाब से हमें प्रॉपर टैक्स टैक्स प्लानिंग करनी होती है लास्ट इज लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस पूरा सब कुछ देखने के बाद लोकेशन चॉइस साइज फाइनेंसिंग फिजिकल फैसिलिटीज प्लांट लेआउट प्लांट लोकेशन सब देखने के बाद वी कैन फाइनली स्टार्ट द बिजनेस सो ऑल दीज वी एसेंशियल एलिमेंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस सो दिस वॉज ऑल अबाउट In this chapter, if you guys have any doubt, then you can ask me in the comment section. Tapta liye, thank you.